Welcome to Varnik. This is Rajat sir, the faculty of GS. Today we discuss about the periodic table classification. देखो पीरियडिक टेबल क्लासिफिकेशन रो कांसेप्ट 1795 रो आछि तो आंटोनी लाभोसियर जहा को हमें को फादर ऑफ केमिस्ट्री से कोन करथले कि ना जते भी एलिमेंट्स माने अछन्ते देखो तो से उठे बही लिखथले से बही रो नाम थला एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री एवं से एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री 108 टा एलिमेंट्स विषय रे से लिखथले एवं 108 टा एलिमेंट्स को क्लासिफाई करिया पाए बा आइडेंटिफाई करिया पाए जो वे रे ताको डिस्क्राइब करथले दिस इज कॉल्ड द पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एवं पीरियडिक जत्ते सब एलिमेंट अछि समस्त को क्लासिफाई करबा एते इजी नथिला बहुत सारा साइंटिस्ट आस्थिले क्लासिफाई भी करथिले लाइक मोजले आस्थिले मेंडेलिफ आस्थिले जॉन न्यूलैंड आस्थिले तो डोबेरियन ट्रायड में जानिचो बट ये समस्त को परे जोटा हमें फेमस एवं जोटा एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन बोली हमें जानू दिस इज कॉल्ड द हेनरी मोजले क्लासिफिकेशन एवं ता पूर्वरु डुबेरिनियो ट्रायड आसते कहले तीन टा एलिमेंट्स को लेकिन आम क्लासीफाई करपर तो ये तुम बहुत सारा क्वेश्चन तुम एग्जाम आसचे तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई करार जो सिंपल फंडा था तो ये थी कि समस्त एलिमेंट मानको सिमिलर प्रॉपर्टी ग्रुपिंग करवा तो आज आम डिस्कसन करवा ये पीरियडिक टेबुल मॉडर्न पीरियडिक टेबुल को डिस्कसन करवा जो मॉडर्न पीरियडिक टेबुल को हेनरी मोजले देते एवं जो मॉडर्न पीरियडिक टेबुल ना आईपर लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबुल कहीपर मोजले पीरियडिक टेबुल ओके लेट्स स्टार्ट द मोजले पीरियडिक टेबुल कौन कौन देख देख ये मोजले पीरियडिक टेबुल लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबुल हेनरी मोजले ए ब्रिटिश केमिस्ट 1913 ले ये पीरियडिक टेबुल आसला एवं ये पीरियडिक टेबुल गोटे पीरियडिक लॉ भी था जोटा कि डिस्क्राइब करते कहीपर मेंडेलिफ द फादर ऑफ पीरियड टेबल एवं से पीरियड टेबल लॉ ये थिला कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर देखो जे कोनोसी गुटे एलिमेंट मनकर मूल लिखि भी आयरन मनकर मूल लिखि कॉपर जे कोनोसी एलिमेंट रो दीटा प्रॉपर्टीज थाई पारे कोन कोन गुटे हला फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गुटे हला केमिकल प्रॉपर्टीज तो मेंडेलिफ हम को या कहिथिले कि जे कोनोसी एलिमेंट रो प्रॉपर्टीज तांकर एटॉमिक मास पर डिपेंड करे बट हेनरी मोजले कहले ना ये सब भूल था ये हेनरी मोजले कहले कि एटॉमिक नंबर ऊपर डिपेंड करे जिते भी पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स मैंने अच्छा एवं से क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर कराया ट्राए कले इनक्रीजिंग ऑर्डर रखा ट्राए कले ये पीरियडिक टेबल को सातटा पीरियड थी देखा पीरियड टेबल विषय के तो कहीपर ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखा एमती लगा जाए तो कहीपर ये पीरियडिक टेबल सातटा पीरियड थी 18 ग्रुप थी ओके अच्छा ये जो डेवलप होता ये कन्सेप्ट आसाला मेंडेलिम पाखर मेंडेलिम का पीरियडिक टेबुल सातटा तो पीरियड थिला बट आठटा ग्रुप थिला एवं ये आठटा ग्रुप रे समस्त एलिमेंट मान को क्लासीफाई भी करहि नथिला सेतिपाई मॉडर्न पीरियडिक टेबुल आसला एवं मॉडर्न पीरियडिक टेबुल ले भी कोन डिमेरिट अछि कह परबो सर हाइड्रोजन को आमे रखिचु मेटल मान को पाखर रखिचु ये डिमेरिट हे परबो बुझेला तो एमती ना कि आम जेकोसी पीरियड टेबुल रखुचे समस्त गुडाक मेरीट ही अच्छे ना यार भी बहुत सारा डिमेरीट अच्छी बट मैक्सीम मेरीट थी कौन हेनरी मोजले पीरियड टेबुल देख हेनरी मोजले पीरियडिक टेबुल टोटाल 18 ग्रुप अच्छे समस्त ग्रुप को 4 ब्लक डिवाइड कर तो जैसे पीरियडिक टेबुल मुझे 4 ब्लक कहली 1 and 2 एस ब्लक डी ब्लक पी ब्लक एंड एफ ब्लॉक हाँ एम को ब्लॉक रखा रिजन तक लास्ट सबसे थी मन कर मुझे आर्गन पाख जावा मुझे आर्गन पाख लिखिपरि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देखो ये आर्गन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लो लास्ट सबसेल कौन थी ना लास्ट सबसेल थी पी सबसेल से मन को पी ब्लॉक दिगला क्लियर है तो जो मानकर लास्ट सबसेल जो सबसेल जो मानकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबसेल थी से कहुए से ब्लॉक अच्छा क्लियर है एबे जीवा नेक्स्ट ये जो 4 ब्लॉक अच्छी ये 4 ब्लॉक सबुठ वैरायटीज ऑफ एलिमेंट था पी ब्लॉक यार मान कौन एस ब्लॉक तुम देखा पाव समस्ते मेटल था डी ब्लॉक भी समस्त मेटल था कि पी ब्लॉक मेटल भी थाए नॉन मेटल भी थाए और मेटालॉइड्स भी थाए
तो बहुत समय एग्जाम आसे कि भेराइटीज ऑफ एलिमेंट कोई था भेराइटीज ऑफ एलिमेंट था पी ब्लॉक रे काही के देखो एल्युमिनियम पाकुल स्टार्ट करिकरी जर्मेनियम टिन एंटीमोनी बिस्मथ ये सुज रहला एमान हेलौची पोस्ट ट्रांजिशन मेटल एमान कह जाए पोस्ट ट्रांजिशन मेटल बिकॉज डी ब्लॉक रो एलिमेंट को कह जाए ट्रांजिशन एलिमेंट तो ट्रांजिशन लो परे जे रहला पोस्ट ट्रांजिशन मेटल ट्रांजिशन लो पूर्व जे रहला प्री ट्रांजिशन मेटल एवं प्री ट्रांजिशन मेटल हम इतपे कहू ना बिकॉज ये ग्रुप 1 लो पीरियोडिक टेबल थिबा ग्रुप 1 एलिमेंट लाइक द लिथियम सोडियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम एमन को कह जाए छि अल्कली मेटल एवं ग्रुप 2 रे जो बन थाए कह जाए अल्कली अर्थ मेटल बिकॉज मान अर्थ अवेलेबल थांदे एवं डी ब्लॉक रो समस्त एलिमेंट को कह जाए ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज एमन को डेंसिटी अधिक था एमन को मेल्टिंग पॉइंट अधिक था सेति पई डी ब्लॉक को कह जाए ट्रांजिशन बट ट्रांजिट करे गोटे मेटल और नॉन मेटल भीतर जो ट्रांजिट स्टेट को कह जाउची डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ए बीच रोला जो आको जे जिगजैग लाइन बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक ओके एंटीमोनी टेलुरियम ए जो एवं आस्टाइन आंको कह जाउची जिगजैग लाइन अच्छा ए जिगजैग लाइन माने हला या कि जिगजैग लाइन तुम एमती कह परबो कि एमान जो रहले एमान ए जो आठ कोन कह परबो जो नौटा एलिमेंट्स रहले एमान होउची मेटालॉइड्स बिल कह जाय क्लियर एवं ये मेटालॉइड्स रो ऑल द लेफ्ट साइड एलिमेंट आर मेटल ऑल द राइट साइड आर नॉन मेटल एवं ये राइट साइड जो रहला कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एमान सो कह जाउची नॉन मेटल बिल कह सेत भाई द वैरायटीज ऑफ एलिमेंट द मैक्सिमम वैरायटीज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स ओके एंड द ग्रुप 18 नंबर एलिमेंट्स को कहा जाए इनर्ट गैस बा जीरो ग्रुप एलिमेंट एंड ग्रुप 17 को कहा जाए हैलोजन सबुठ हाईएस्ट रिएक्टिव तमे फ्लोरीन को लेकर जहां सहित भी रिएक्शन करेबो से रिएक्शन हो सबुठ हाईएस्ट रिएक्टिव कौन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एम सब सबुठ हाईएस्ट रिएक्टिव हेतपई मन को 17 नंबर ग्रुप रखा जाए अच्छा 16 नंबर का कहा जाए चालकोजेन ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन सल्फर एम को कहा जाए चालकोजेन बिकज ऑक्सीजन फैमिली थांदे एवं एमकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब अधिक था मन रखा ये नाइट्रोजन फैमिली को कहा जाए निक्टोजेन तो ये सारा थिला पीरियोडिक टेबल रो बहुत सारा ग्रुप रो पार्टिसिपेशन तो एबे कहि परबो हां क्वेश्चन वालिनर ए आसे कि 18 को अच्छा ए जो आफ्टर द लीड जते भी लीड पर जते भी एलिमेंट्स मान रहले एमन को कहा जाए रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिकॉज लीड पर जो माने भी एलिमेंट्स होले एमन अल्फा बीटा गामा बा कॉस्मिक रे प्रोड्यूस करंती ये सेबे कहा जाए हमको पीरियोडिक टेबल रो कहा जाए 18 पर जो मान होले एमन को कहा जाए कोन रेडियो एक्टिव एलिमेंट ओके तो ये थला कांसेप्ट ऑफ द पीरियड टेबल अच्छा पीरियड टेबल आउ सारा प्रॉपर्टीज थाए जेमते कह परबो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एवं आयोनाइजेशन एनर्जी देखो ये जो पीरियडिक टेबल ले मु तो कहबी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कोन द अमाउंट ऑफ मन कर मु कहबी ए गुटे एलिमेंट या सहित गुटे इलेक्ट्रॉन मिसला परे कह परबो ये केते अमाउंट रो एनर्जी बा नेगेटिव चार्ज हला परे केते अमाउंट रो एनर्जी रिलीज कला आ कह जे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मनकर मु कहबी एग्जांपल लेबी क्लोरीन अच्छा क्लोरीन सहित गुटे इलेक्ट्रॉन को ऐड कला परे कोन हुए ना क्लोरीन माइनस हुए एवं 396 किलो जूल पर मोल रो एनर्जी दिए यार माने मु कहि परबी क्लोरीन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हला कहि परबो 396 किलो जूल तो एमिते बहुत सारा एलिमेंट अछन जे पीरियडिक टेबल ले जहा को हम टॉप रु बॉटम आसेले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कोन हुए टॉप रु बॉटम आसेले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हुए किंतु लेफ्ट टू राइट गले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हुए बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पावर ऑफ ए नॉन मेटल इज मोर देन द मेटल बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पावर एति पाई थाए बिकॉज नॉन मेटल मानकर वैलेंस सब नेगेटिव रो थाए जेतु नॉन मेटल मानकर वैलेंस नेगेटिव रो थाए ए मान सब वाले एक्सेप्टिंग बा गेनिंग टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मोर एज कंपेयर टू मेटल ओके एबे जबा नेक्स्ट तो कह परबो सर टॉप रु बॉटम आसेले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हबो लेफ्ट टू राइट हेले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हबो एबे जबा नेक्स्ट आ गोटे कांसेप्ट छ पीरियड टेबल ले दिस कह परबो आयोनाइजेशन एनर्जी अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी कोन द एनर्जी रिलीज आफ्टर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एडिंग ए इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एग्जांपल मन कह परबी मु कह मन कर सोडियम पाको चलो सोडियम पाखरे जदि मु गोटे इलेक्ट्रॉन को काढिया पई मते जति की एनर्जी दबा को पड़िबो गोटे सोडियम रो गोटे इलेक्ट्रॉन टा काढिया पई जति की एनर्जी मु इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा पळे एन ए प्लस प्लस गोटे इलेक्ट्रॉन टा आसीबो जदि मु सोडियम पाखरे हिसाब करू एग्जैक्ट वैल्यू कहबी ताले मु हम कह परबी कि सोडियम पाखरे
कोई परिवो 496 किलो जूल एनर्जी नीड हुए उटे इलेक्ट्रॉन को काढ़िया पाए यार माने मु कोई परिवो दिस इज द इलेक्ट्रॉन बा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए सोडियम अच्छा जदी मु टॉप रु बॉटम जीबी ताले आयोनाइजेशन एनर्जी कोन हबो डिक्रीज हे के जीवो बिकॉज जेहेतु सेल रो साइज बढी जीवो बा एलिमेंट्स मानकर साइज बढी जीवो हेते तुम कोई परिवो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हे के जीवो जदि मु कहबी लेफ्ट रु राइट आसीबे त आयोनाइजेशन कोन हबो इंक्रीज हे के जीवो एंति काहे कहो अच्छा नॉन मेटल माने केबे इच्छा करनती नाही कि मु इलेक्ट्रॉन को गुटे लॉज कर देबे एंति केबे इच्छा करनती नाही सबुले मेटल माने चाहंती कि आमे इलेक्ट्रॉन लॉज कर दो बिकॉज एमानकर वैलेंसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी था बट नॉन मेटल मानकर इलेक्ट्रो नेगेटिव वैलेंस था सेति पाई नॉन मेटल माने केबे चाहंती नाही कि आमे इलेक्ट्रॉन को सबुले कोन करू ना लूज कर दो क्लियर बुझेला बुझेलानी तो कबे सर टॉप रु बॉटम आसेले इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हबो लेफ्ट टू राइट हेले आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हबो क्लियर हबे एबे जीवा नेक्स्ट गोटे कन्सेप्ट अछि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी अच्छा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कोन ना इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हला द टेंडेंसी ऑफ ए एलिमेंट द टेंडेंसी ऑफ ए एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ यार माने कहि परिबो गोटे इलेक्ट्रॉन बा गोटे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बा बॉन्डिंग पेयर को अट्रैक्टिंग कैपेसिटी एमती क्यों मान करते ना बॉन्डिंग कैपेसिटी करते केवल नॉन मेटल माने मन रख नॉन मेटल माने इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सब अधिक था तो को माने ना कम सर जेते सब हेलोजन चालकोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एमान सब हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बा इलेक्ट्रॉन मानको टेंडेंसी बा अट्रैक्शन टेंडेंसी को कहा जाउची इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जदि मु टॉप रो बॉटम आसीले ताले को डिक्रीज हबो लेफ्ट टू राइट हेले इंक्रीज हबो बिकॉज राइट साइड सब नॉन मेटल मान थाने सेति पई इंक्रीज हे जिवो किंतु गुटे एक्सेप्शन अछि एक्सेप्शन एया कि एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द रूल फ्लोरीन लो अधिक हवा कथा क्लोरीन लो कम हवा कथा किंतु संति हुए नी क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सेति पई कोन हुए कि ना ये सॉरी फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी तो आज ए क्लोरीन तो फ्लोरीन पाकर सब इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हाईएस्ट था किंतु इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पाकर क्लोरीन पाकर सब हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सब हाईएस्ट क्लोरीन पाकर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सब हाईएस्ट का पाकर फ्लोरीन पाकर एवं कोई परिवो सर आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन पाकर से हीलियम पाकर सब अधिक था तो आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम पाकर सब अधिक था तो ये तीन वन लाइन क्वेश्चन थिला पीरियड टेबल ले ताको समस्त मन रखे ट्राई करबो ओके नेक्स्ट आउ दु तीनटा जिनस अछि कोई परिवो लीड सॉरी कोई परिवो मर्क्यूरी रख परिवो मर्क्यूरी मर्क्यूरी को कहा जाए लिक्विड मेटल एवं ब्रोमीन जाको हमें को ब्रोमीन को कहा जाए लिक्विड नॉन मेटल तो एमाने मेटल नॉन मेटल हेले भी लिक्विड स्टेट रे थांदे सेत पे हमन को लिक्विड मेटल आ कहा जाए लिक्विड नॉन मेटल तो ये सारा थिला वन लाइन रे क्वेश्चन ट्राई करो समस्त मन रखिया पई तो ये बहुत सारा इंपोर्टेंट हमें डिस्कशन करले ट्राई करबा को संग मान सहित शेयर करिया पई एवं आस्तुआ नेक्स्ट एग्जाम पई भी बहुत इंपोर्टेंट तो लाइक करो यदि भल लागि तो वीडियो लाइक करो शेयर भी करो समस्त जानिया निया जरूरी भी तो ट्राई करो समस्त पाखरे ये इंपोर्टेंट वीडियो पहुंच पर जेबा तो थैंक यू वेरी मच थैंक यू।